अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज जिस जैपनीज़ नूडल्स बनाने लगे हैं हम, जैपनीज़ आप रामेन और चाइनीज़ रामेन भी इसको कह सकते हैं, और एक्चुअली सॉस के साथ और वीट की ये नूडल्स होती हैं, लेकिन हम जो हमारे पास अवेलेबल हैं इंस्टेंट नूडल, तो ये इंस्टेंट रामेन आप कह सकते हैं इसको। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, वो इसमें यूज़ करते हैं फ़िश की या बीफ की ना शेविंग्स, उसको वो मीट जो होता है वो उसकी शेविंग बना के वो यूज़ करते हैं, तो उसका हमने जुगाड़ किया है, उसका शॉर्टकट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत सादे मसाले मैंने हाफ़ क्यूब ली है चिकन क्यूब, एक टीस्पून लेवल जो है काली मिर्च है, एक भर के टीस्पून लाल कुटी मिर्च है, हाफ़ टी स्पून आपने लेना है गार्लिक पाउडर, और क्रश नहीं, ये सूप की क्योंकि शक्ल बन रही है, लेकिन अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो बेशक चॉप भी डाल लीजिए। और सोया सॉस जा रही है डार्क वाली, कलर इसमें आएगा क्योंकि इसका कलर ज़रा ब्राउन होता है। अच्छा, जो वो ड्राइड फिश और बीफ की शेविंग डालते हैं उसकी हमने ये तरीका किया है कि फ्रोज़न जो है आपने या बीफ या आपने चिकन लेना है, तेज़ नाइफ के साथ आप इसको हम आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा बस जैसे आप 5 मिनट पहले जो है ना इसको निकाल के रख दीजिएगा, बस इतना हो कि बस काटने में आसानी हो, बिल्कुल जो है वो स्टोन हार्ड ना हो। ये देखें इतना को है, लेकिन उसकी शेविंग में अभी आप देखिएगा इससे कितना अच्छा जो है ये ज़बरदस्त से हमारे बारीक बारीक से हमारे चिकन के पीसेस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आप डोनर कबाब भी बना सकते हैं, ये मैरिनेट करके उसको फ्रीज़ कर दें, और वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी रेसिपी। तो ये देखिए कितना पतला पतला ज़बरदस्त सा बन गया, और अगर ये मैरिनेटेड होता तो बस क्या ही बात थी। बस सिर्फ एक टीस्पून ऑयल के साथ हमने इसको बना रहे हैं, और तेज़ आंच पे इसमें आपको हमने इसको पकाना है ताकि ये इसका ड्राई ना हो जाए, जो इसके अंदर से जूसेस हैं वो बिल्कुल जो हैं वो ज़्यादा देर पकाने से वो बिल्कुल इसको ड्राई ना करते हैं। ये इस तरह करने से जल्दी पक जाएगा, फैल जाएगा, तो ऊपर तले होंगे तो फिर ज़रा उनको गलने में ज़रा मुश्किल होगी, टाइम लगेगा। इधर हमने रख दिया है जी पानी उबलने के लिए नूडल्स का, क्योंकि हमने जितना सूप बनाना है आपने उतनी रखनी है, तो ये वो नहीं है कि हम इसको इसमें से निकाल लेंगे नूडल्स को। इसमें वो जो हाफ क्यूब थी वो मैंने डाल दी है, और यहाँ पे देखिए हमारा अच्छा कलर आना शुरू हो गया। अच्छा, गार्लिक पाउडर डालने की एक वजह ये है क्योंकि चिकन की ताकि स्मेल ना आए, तो आप चाहें तो इसमें अनियन पाउडर भी बेशक डाल लीजिएगा। अच्छा, मैं सिंपलेस्ट जो रेसिपी है मैं आपको वो दे रही हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप चाहे एडिशन्स आप करें तो आप वेजिटेबल्स जो हैं उनको अलग से पहले ये निकाल के फिर वेजिटेबल्स जो हैं वो सौते कर लीजिएगा, शिमला मिर्च होगी, ग्रीन अनियन बहुत यूज़ करते हैं वो जो है जैपनीज़ नूडल्स में, तो वो आप चाहें तो इसमें उनको सौते करके आप डाल सकते हैं सूप के ऊपर, वो जब एंड में गार्निशिंग उसके साथ कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का मैंने चूल्हा कर दिया क्योंकि मसाले डाल दिए हैं, तो बस वो जले ना, ऑलरेडी पैन बहुत गर्म है, तो चाहें तो आप इस स्टेज पे इसको चूल्हे को बंद भी कर दीजिए। और तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे डाली सोया सॉस इसमें कलर आने के लिए, ये डार्क सोया सॉस है। छींटा आपने पानी का मार देना ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, ये देखिए ग्लॉसी सी बन जाएंगी और डन है। सीजनिंग आप चाहें तो इसमें चख लीजिएगा इस वक्त। आपने देखा हमने नमक नहीं डाला क्योंकि हमने सोया सॉस डाली है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मिर्च डाल सकते हैं चाहें तो। अभी और कुछ भी नहीं, जितनी मैं ये रेशो बता रही हूँ परफेक्ट रेशो थी, कोई ज़रूरत ही नहीं है डालने की आपको। और तकरीबन ये 2 कप पानी था, थोड़ा एवेपोरेट हुआ, इसमें मैंने सोया सॉस और डाली, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब है। अगर आपके पास डार्क नहीं है तो फिर जो दूसरी है लाइट वाले सोया सॉस, फिर वो ज़रा ध्यान रखिएगा कहीं वो ना
बहुत ज़्यादा डालने से कलर की शक्ल लेने के लिए आप नमक फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप कलर ब्राउन करना चाहते हैं तो वो अवॉइड कीजिएगा। तो बस ये हमारी जूँ ही नूडल्स हमारी तैयार हैं। और आपने देखा कि मैंने ना नूडल्स को छोटा नहीं किया क्योंकि इसे फोर्क से अगर खाना चाहते हैं तब भी आसानी होगी, इसको आप उसमें फोल्ड कर सकते हैं फोर्क के साथ, और वरना आप चॉपस्टिक के साथ अगर खा सकते हैं तो वो भी उसमें भी आसानी होगी खाने में। तो बस इसके बाद हमने इसमें सॉस डालनी है, सारा जो सूप है हमारा। इस स्टेज पे आप चाहें तो फ्रेश वाली लाल मिर्च है वो उसको काट के चॉप करके डाल सकते हैं, क्रंच के लिए ग्रीन अनियन जो है वो चॉप्ड इस वक्त डाल सकते हैं, बॉयल्ड एग सॉफ्ट बॉयल्ड एग उस पर डाल सकते हैं, इवन जो है स्क्रैम्बल्ड एग वो भी इसके ऊपर डाला जाता है, और फिर जो है वो साथ ही सूप भी होता है अगर आप मीट को अवॉइड कर रहे हैं तो। तो बस अब चिकन इसमें डालते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस टोटल टाइमिंग इसका अगर मैं देखूं तो बस दोनों साइड पे चूल्हा जल रहा है तो विद इन 10 मिनट्स जो है ये आपका मील तैयार है। लेमन का एक ऊपर स्लाइस रखिएगा और ये चिली ऑयल जो है ये जो नूडल्स के साथ मिलता है ये वो वाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने चिली पाउडर गार्लिक पाउडर अनियन पाउडर के ऊपर तेज़ गर्म स्मोकिंग हॉट ऑयल डालना है तो आपका ये चिली ऑयल बन जाएगा। ठीक है, इसका लंबा प्रोसीजर है जिसमें वो फ्रेश यूज़ करते हैं तो, लेकिन ये जो है ना ये ज़बरदस्त आसान सा तरीका है। लीजिए जैपनीज़ नूडल फ्यूजन रेसिपी है और हमारी जैपनीज़ चाइनीज़ रामेन जो है वो ये तैयार है। ये डिफरेंट सा टेस्ट, इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।